हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। चिराग पासवान ने दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात, एनडीए में हुए शामिल। खबर है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके बताया कि एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। इससे पहले चिराग पासवान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। चिराग ने ट्वीट करके कहा कि अमित शाह जी से गठबंधन के मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा हुई। बता दें कि जेपी नड्डा ने एनडीए परिवार में चिराग पासवान का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट 7 अगस्त को करेगा बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर अंतिम सुनवाई। खबर है कि बिल्किस बानो गैंगरेप केस में दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि दलीलें पूरी हो चुकी हैं और सभी 11 दोषियों को न्यूज़पेपर के जरिए व सीधे नोटिस भेजे जाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध करेंगे। खबर है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए जीएसटी काउंसिल से अनुरोध कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह विचार विमर्श उनके द्वारा देश में लागू किए जा रहे नए नियामक ढांचे पर आधारित होगा। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और उसके प्रेमी से 6 घंटे तक की पूछताछ। खबर है कि उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने पाकिस्तान से यूपी आई सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन से नोएडा में करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन के पिता से भी एटीएस ने पूछताछ की है। गौरतलब है कि सीमा अपने बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई थी। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने सशस्त्र सीमा बल व यूपी पुलिस से सीमा हैदर पर रिपोर्ट मांगी है। पेड़ काटने की शिकायत पर सीएम नीतीश अफसरों पर भड़के, कहा मैंने रुकवाया तो कैसे कट रहे हैं पेड़। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में हरे पेड़ काटकर बेचे जाने की शिकायत को लेकर अफसरों पर भिड़ गए। शिकायतकर्ता ने सीएम से कहा कि मशीन लगाकर पेड़ों को काटा जा रहा है। इस पर सीएम नीतीश भड़क गए और अधिकारियों से कहा कि इसे मैंने रुकवाया था, फिर कैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। रोक लगाई गई थी तो फिर कोई पेड़ नहीं काट सकता है। विपक्षी दलों की बैठक पर प्रशांत किशोर ने कहा, 2019 से भी सारे दल एक साथ हुए थे, उसका क्या फर्क पड़ा। विपक्षी दलों की बैठक पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि 2019 में भी सारे दल एक साथ हुए थे, उसका क्या फर्क पड़ा। चंद्रबाबू नायडू का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ दलों के नेताओं के साथ एक साथ बैठ जाने से जनता पर विपक्षी एकता का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव तब पड़ेगा जब नेताओं के साथ साथ मन का भी मेल हो। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक राजस्थान में 43% लोगों ने माना कांग्रेस को गहलोत को सीएम फेस प्रोजेक्ट करना चाहिए। खबर है कि एबीपी न्यूज सी वोटर के ऑल इंडिया सर्वे के अनुसार राजस्थान में 43% लोगों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अशोक गहलोत को ही अपना सीएम फेस प्रोजेक्ट करना चाहिए। बकौल सर्वे 42% लोगों ने अशोक गहलोत के सीएम फेस के खिलाफ में जवाब दिया है, जबकि 15% लोगों ने नहीं पता का विकल्प चुना। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।